हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहाँ पे हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कवर करते हैं। तो आज है 29th of April और हमेशा की तरह कई सारे महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे। सबसे पहले अनअकैडमी पे अगर आपको किसी भी एग्जाम की कोई भी प्रिपरेशन करनी है तो आप रेफरल कोड लगा सकते हैं BHU10 या फिर Bhuvnesh10, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो आप यहाँ पे BHU10 है जो कि काम में ले सकते हैं। अनअकैडमी पे 40+ एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, गोल सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे SSC UPSC जो भी आपका गोल है। प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे और आप यहाँ पे लगाइए BHU10। ठीक है गाइज, आज का पहला सवाल देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि एलन मस्क ने ट्विटर है जो कि रिसेंटली खरीदा है, चेयरपर्सन टाटा सन्स बोर्ड के कौन बनाया गया है? टाटा सन्स बोर्ड के चेयरपर्सन बनाए गए हैं अभी कुछ टाइम पहले चंद्रशेखरन जी। ठीक है गाइज, तो टाटा सन्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने रीअपॉइंटमेंट किया था चंद्रशेखरन जी का 5 साल के लिए। 2017 में इन्होंने टाटा सन्स के हेड बने थे और तब से बहुत ही ट्रिमेंडियस ग्रोथ है जो कि TCS या टाटा ग्रुप ने करी है। ओके, ये देख सकते हो टाटा सन्स के ओनर है इसके, जमशेद जी टाटा इसके फाउंडर थे। 1868 मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी और 32 में GRDA टाटा के द्वारा टाटा एयरलाइंस भी स्टार्ट करी गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड अ ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इन अप्रैल 2022? को किसके द्वारा इसको लॉन्च है जो कि किया गया है? ठीक है गाइज, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, नीति आयोग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नीति आयोग ने दोस्तों एक ड्राफ्ट पॉलिसी है जो कि जारी करी है, किसको लेकर? बैटरी को लेकर, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेकर। ओके, ताकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, 2-व्हीलर 3-व्हीलर ये सब जो है थोड़े आगे बढ़ सकें। चलिए ठीक है गाइस, इसके अलावा बात करें तो नीति आयोग तो मैं बता ही चुका हूँ, एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस इंडेक्स भी इन्होंने जारी किया था जिसमें गुजरात नंबर वन पे था। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया और बाकी तो कुछ खास नहीं है। रिसेंटली 902 से 949 रुपये के शेयर में 21,000 करोड़ रुपये का IPO किसका आने वाला है? तो 3.5% जो है वो इक्विटी देने वाले हैं 902 से 949 के बीच में। कौन? LIC। तो 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो LIC का IPO है जो कि अभी आने वाला है। ओके, पॉलिसी होल्डर को 60 रुपये का फ़ायदा है जो कि मिलेगा। ठीक है गाइस, MR कुमार चेयरपर्सन है, मुंबई हेडक्वार्टर है, 56 में इसकी शुरुआत हुई। किस कंपनी ने साइन किया एग्रीमेंट विथ IIT मुंबई टू जॉइंटली परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन अप्रैल 2022? IIT बॉम्बे के साथ में जॉइंटली कौन काम कर रहा है? L&T कर रही है। तो L&T ने एग्रीमेंट किया है ताकि मिलकर जो है R&D के ऊपर काम कर सके, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर सके, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सके। ओके, लार्सन एंड टब्बो एक फॉरेनर थे दो, उनके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, बाद में इंडियन के पास में आ गई थी कंपनी। सुब्रह मन्यम जी अभी CEO है, मुंबई हेडक्वार्टर, 38 में इसकी शुरुआत हुई। ओके, देश की टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक है। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है कोबोल्ट क्लाउड ताकि अपने बिजनेस के वैल्यू इनोवेशन को बढ़ा सके फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर? तो ये कोबोल्ट कोबोल्ट क्लाउड जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इन्फोसिस के द्वारा किया गया है। ठीक है गाइज, तो इन्फोसिस के द्वारा ये एक फाइनेंशियल सर्विस है जो कि लॉन्च करी गई है ताकि कोई भी अपना बिजनेस इनोवेशन जो है वो आगे बढ़ा सके। इन्फोसिस की बात करें, देश की टॉप 3 IT कंपनी में से एक है। सलील पारेख अभी CEO है, 81 में पुणे में इसकी शुरुआत हुई, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने फ्लैग ऑफ किया BRO-63 मल्टी डायमेंशनल एक्सपेडिशन इन अप्रैल 2022, कौन से राज्य के गवर्नर है? गुरमीत सिंह जी जो गवर्नर है अभी हमारे यहाँ पे, वो कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। तो 3rd आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, गुरमीत सिंह जी। ओके चलिए, इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। विच कंट्री इज गोइंग टू एस्टैब्लिश ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर रिन्यूएबल पावर ट्रांसफर अंडर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड? कौन से कंट्री है जो कि एस्टैब्लिश करेगा इंटरकनेक्शन फॉर रिन्यूएबल पावर ट्रांसफर?
ये करने वाला है मालदीव, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तो मालदीव इज गोइंग टू स्टैब्लिश ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर रेन्यूएबल पावर ट्रांसफर अंडर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इंडिया के साथ में। ओके, हमारे द्वारा ये वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड वाला जो कंसेप्ट है वो दिया गया है। चलिए ठीक है गाइस, मालदीव की कैपिटल माले है, रुफिया करेंसी है, इब्राहिम सोनी यहाँ पे हेड है। मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, कौन सी सिटी ने रिलीज करी है किताब मिसाइल लाइफ, और ये किसके द्वारा करी गई है, रिसेंटली बीजिंग के द्वारा करी गई है। ठीक है, तो 7th चाइनीज एरोस्पेस डे था बीजिंग के द्वारा, एक मिशन लाइफ किताब है जो कि जारी करी गई है। ओके गाइज, इसके अलावा अनफिल्टर्ड बैरल्स रिचा की, रत्नाकर की ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये कुछ और किताबें लिखी गई। जम्मू एंड कश्मीर के किस जिले में पल्ली देश की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो बनी है वो जम्मू एंड कश्मीर की पल्ली बनी है, और ये कहाँ पर है, सांबा के अंदर। ठीक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, 500 किलोवाट का सोलर प्लांट है जो कि यहाँ पे लगाया था, उससे काफ़ी काम है जो कि हो रहा है। मनोज सिन्हा जी एल जी हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट है, बगलिया डैम है, दलस्ती उरी नैचिकम सलीम लली का किस्तावार है ना, ये सारे के सारे नेशनल पार्क हैं। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, किसको मिला है, मैक्स वेस्टपेन को मिला है दोस्तों, फॉर्मूला वन के ग्रेटेस्ट हैं, तो उनको इस साल का लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो कि दिया गया है। हैमिल्टन को हरा के इन्होंने फॉर्मूला वन चैंपियनशिप 2021 के अंदर जीती थी। ठीक है, कौन सी भारतीय कंपनी पहली कंपनी बन गई है जिसने 19 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव किया, अभी शेयर जो है वो बढ़ गए थे रिलायंस के, और ये 19 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है जो कि बन गई थी, पहली भारतीय कंपनी जिसने इतनी मार्केट वैल्यू को टच किया। ठीक है, चलिए, मुकेश अंबानी सीईओ है, धीरू भाई अंबानी फाउंडर थे। किस राज्य ने संगीत प्रतिभा को पहचानने और बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य के शहर के कार्यक्रमों के लिए कलाकारों को समर्थन प्रदान करने के लिए एक जमीनी स्तर पर संगीत परियोजना शुरू करी है, तो किस राज्य के द्वारा करी गई है, मेघालय के द्वारा करी गई है, तो 4 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, 2 सीटें हैं लोकसभा, एक राज्यसभा। क्लाउडेड लेपर्ड स्टेट एनिमल है, हाइना माइना यहाँ पे बर्ड है, बलपकरम और नौकरैक ये 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। तो ये था आज का आपका इम्पोर्टेंट सेशन, एन अकेडमी पर किसी भी एग्जाम के लिए रेफर कोड लगाना ना भूलिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU10 ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर लिखिए, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करिए, जो भी आपका एग्जाम का गोल है प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ, और नीचे की तरफ BHU10 है जो कि लगाना है। ठीक है गाइज, और अच्छा क्वेश्चन का डे है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2022 कितनी तारीख को मनाया जाता है, सॉरी थीम के बारे में बताना है आपको, थीम क्या है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की। ओके, साथ में एक बच्चे की एजुकेशन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, स्माइल फॉर सोसाइटी .org की वेबसाइट पर जाके, एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन है जो कि आप यहाँ पर लेकर एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 6 बजे फिर से, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।